सर्दी का मौसम हो या गर्मी का, आइसक्रीम खाना हम सबको अच्छा लगता है, लेकिन आइसक्रीम की खोज कब और कैसे हुई थी, आइए जानते हैं इसके बारे में। ईसा से 200 साल पूर्व चीन में ही एक तरह की आइसक्रीम का आविष्कार हुआ था, जब दूध और चावल का एक मिश्रण बर्फ में पैक करने से ही जम गया था। माना जाता है कि रोमन सम्राट पहाड़ की चोटी से ताजा बर्फ लाने के लिए गुलाम को भेजते थे, जिसे स्वादिष्ट बनाकर परोसा जाता था, जिसे एक तरह की आइसक्रीम भी कहा जा सकता है। खोजी मार्को पोलो ने चीन की यात्रा के दौरान आइसक्रीम बनती देखी और सबसे पहले इटली के लोगों को इसे परिचित करवाया। सन 1533 में इटली की राजकुमारी का विवाह फ्रांस के राजा हेनरी द्वितीय के साथ हुआ था। वह अपने साथ कुछ इतालवी कुक भी ले आई थी, जो बर्फ की रेसिपी बनाना जानते थे। 1660 में पेरिस के एक कैफे ने दूध, क्रीम, मक्खन और अंडे को फेंटकर आइसक्रीम बनाने की रेसिपी को प्रचारित किया था। सन 1671 में पहली बार ब्रिटेन के शासक चार्ल्स द्वितीय के पास आइसक्रीम पहुंची। वह इससे इतने प्रभावित हुए कि आइसक्रीम बनाने वाले अपने कुक को इसकी रेसिपी गुप्त रखने के लिए हर महीने 500 पाउंड सन 1744 में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में पहली बार आइसक्रीम शब्द का प्रकाशित हुआ। अमेरिका में क्वेकर मूवमेंट के लोग आइसक्रीम लेकर आए, जो इंग्लैंड से आकर वहां बस गए थे। बाल्टीमोर के दूध के व्यापारी जैकब फसेल ने बड़े पैमाने पर आइसक्रीम का उत्पादन करना शुरू किया था, जिससे आइसक्रीम आम आदमी तक पहुँच गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें।